इतिहास में की गई इन गलतियों को सुधारने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। और बहनों, ब्रह्मपुत्र और बराक सहित असम को अनेक नदियों की जो सौगात मिली है उसको समृद्ध करने के लिए आज महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम ब्रह्मपुत्र के जल से इस पूरे क्षेत्र में वाटर कनेक्टिविटी को, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को सशक्त करेगा। इस अभियान की शुरुआत में आज निमाती मजूरी नॉर्थ और साउथ गुवाहाटी धुबरी तिसिंगमारी के बीच 3 रोपैक्स सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ असम इतने बड़े स्तर पर रोपैक्स सर्विस से जुड़ने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। इसके अलावा जोगी धोपा में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल सहित ब्रह्मपुत्र पर 4 जगह टूरिस्ट जेटी बनाने का काम भी शुरू किया गया है। मजूली सहित असम को, नॉर्थ ईस्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने वाले ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में विकास की गति को और तेज करेंगे। 2016 में आपके दिए एक वोट ने कितना कुछ करके दिखाया है। आपके वोट की ये ताकत अभी असम को और ऊंचाई पर लेकर जाने वाली है। भाइयों और बहनों, गुलामी के कालखंड में भी असम देश के संपन्न और अधिक रेवेन्यू देने वाले राज्यों में से एक था। यहां तक कि चिटगांव और कोलकाता पोर्ट तक चाय और पेट्रोलियम पदार्थ ब्रह्मपुत्र, पद्मा, मेघना नदियां और रेल लाइनों से होकर ही पहुंचते थे। कनेक्टिविटी का यही नेटवर्क असम की समृद्धि का बड़ा कारण था। लेकिन आजादी के बाद जहां इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना जरूरी था, इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। जलमार्ग पर फोकस नहीं किया गया तो लगभग खत्म ही हो गए। इसी क्षेत्र में अव्यवस्था और अशांति के पीछे विकास को लेकर ये लापरवाही भी एक वजह तो थी ही थी। इतिहास में की गई इन गलतियों को सुधारने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अब उनका और विस्तार किया जा रहा है, उन्हें और गति दी जा रही है। अब असम का विकास प्राथमिकता में भी है और इसके लिए दिन रात प्रयास भी हो रहा है।